हेलो बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट टू थ्री टू एंड पैरेलल टू द लाइन दिस लाइन राइट एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस चलिए की कॉन्सेप्ट लिखते हैं हम लोग सबसे पहले कि व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट्स की कॉन्सेप्ट क्या है सबसे पहले तो इफ अ लाइन इज पैरेलल टू सम वेक्टर बी एंड इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट जिसका पोजिशन वैक्टर है ए वैक्टर तो इस लाइन की इक्वेशन हम क्या लिखते हैं जिस पॉइंट से पास कर रहा है प्लस लेमडा टाइम्स जिस पॉइंट के जिस वैक्टर के पैरल है राइट right? सबसे पहली बात तो ये दूसरी बात लेट से दो पैरल लाइन्स है ना ये ए वन से पास कर रही है बी वेक्टर के पैरेलल है और इन दोनों के बीच में अगर हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है राइट right? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला होता है क्या फार्मूला होता है ए वन माइनस ए टू क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना और इस पूरे का भी मैग्नीट्यूड ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है ना हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को ये कह रहा है कि एक लाइन है विच इज पैरल टू दिस लाइन दिस लाइन इज़ पासिंग थ्रू है ना ये किसी दूसरी लाइन के पैरल है जो दूसरी लाइन है दिस इज पासिंग थ्रू माइनस टू कॉमा थ्री कॉमा जीरो है ना यहां से दिख रहा है और ये पैरल है टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप के

जिस वेक्टर के पैरल है टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप के एक, तो एक आंसर आ गया अभी हमको पैरल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है एक एक करके सारी चीजें लिख लेते हैं देखो एक तो बी वेक्टर तो हमको दिख रहा है टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के, के इसका मैग्नीट्यूड भी लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर है ना ये कितना होगा फोर प्लस नाइन प्लस थर्टी सिक्स राइट सेवन हो गया इसका मैग्नीट्यूड ठीक है ए वन माइनस ए भी लिख लेते हैं ए वन माइनस ए क्या होगा आप किसी को भी ए वन ले लो किसी को भी ए ले लो है ना ए वन माइनस ए इन दोनों में से किसी को भी कुछ भी ले लो तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ टू थ्री टू माइनस माइनस टू थ्री जीरो लिख लेते हैं तो आ जाएगा माइनस ए वैक्टर जो आएगा वो आएगा फोर आई कैप प्लस टू के कैप ये लीजिए सारी चीजें आ गई है ना एक हम लोग ए वन माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर भी फाइंड कर लेते हैं तो आएगा डिटर्मिनेंट आई जे के ये आ रहा है फोर जीरो टू एंड बी वेक्टर इज टू माइनस थ्री सिक्स टू माइनस थ्री सिक्स है ना इसको भी लिख लेते आई टाइम्स आएगा जीरो प्लस सिक्स माइनस जे टाइम्स आएगा ट्वेंटी फोर माइनस फोर प्लस के टाइम्स आएगा के टाइम्स आएगा माइनस ट्वेल्व माइनस जीरो तो यह आ जाएगा सिक्स आई माइनस ट्वेंटी जे प्लस ट्वेल्व के अब डिस्टेंस में सारी वैल्यू रख देते हैं क्या एक तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा सिक्स आई कैप माइनस ट्वेंटी जे कैप प्लस ट्वेल्व के कैप डिवाइडेड बाय बाय सेवन आ रहा था है ना इस पूरे में से इस पूरे में से एक टू कॉमन आ जाएगा टू कॉमन आ जाएगा टू बाय सेवन मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री आई कैप माइनस टेन जे कैप प्लस सिक्स के कैप राइट right, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं टू बाई सेवन स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर टेन का स्क्वायर और सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स प्लस नाइन होगा फोर्टी फाइव तो आ जाएगा टू बाई सेवन स्क्वायर रूट ऑफ वन फोर्टी फाइव है ना चेक करके देख लेते हैं कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा यह आएगा फाइव टाइम्स ट्वेंटी नाइन कुछ नहीं बन रहा है न यही आंसर आएगा दो लाइन्स के बीच में जो पैरल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा टू बाई सेवन अंडर रूड वन फोर फाइव थैंक यू